शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम। इस किताब का उतारा जाना खुदाए गालिब और दाना की तरफ से है। बेशक आसमानों और जमीन में ईमान वालों के लिए खुदा की कुदरत की निशानियां हैं, और तुम्हारी पैदाइश में भी और जानवरों में भी जिनको वो फैलाता है यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं, और रात और दिन के आगे पीछे आने जाने में, और वो जो खुदा ने आसमान से जरिए रिज़्क नाजिल फरमाया फिर उससे जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा किया उसमें, और हवाओं के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ये खुदा की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं, तो ये खुदा और उसकी आयतों के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे। हर झूठे गुनाहगार पर अफसोस है कि खुदा की आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो उनको सुन तो लेता है मगर फिर गुरूर से जिद करता है कि गोया उनको सुना ही नहीं। सो ऐसे शख्स को दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो, और जब हमारी कुछ आयतें उसे मालूम होती हैं तो उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है, उनके सामने दोजख है, और जो काम वो करते रहे कुछ भी उनके काम ना आएंगे, और न वही काम आएंगे जिनको उन्होंने खुदा के सिवा माबूद बना रखा था, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये हिदायत की किताब है, और जो लोग अपने परवरदिगार की आयतों से इनकार करते हैं उनको सख्त किस्म का दर्द देने वाला अजाब होगा। खुदा ही तो है जिसने दरिया को तुम्हारे काबू में कर दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसके फजल से मुआश तलाश करो, और ताकि शुक्र करो। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सबको अपने हुक्म से तुम्हारे काम में लगा दिया। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इसमें कुदरत खुदा की निशानियां हैं। मोमिनों से कह दो कि जो लोग खुदा के दिनों की जो आमाल के बदले के लिए मुकर्रर हैं तवक्को नहीं रखते उनसे दरगुजर करें ताकि वो उन लोगों को उनके आमाल का बदला दे। जो कोई अमल नेक करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे काम करेगा तो उनका जरर उसी को होगा, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाओगे। और हमने बनी इसराइल को किताब हिदायत और हुकूमत और नबूवत बख्शी, और पाकीजा चीजें अता फरमाई, और अहले आलम पर फजीलत दी, और उनको दीन के बारे में दलीलें अता की, तो उन्होंने जो इख्तलाफ किया तो इल्म आ चुकने के बाद आपस की जिद से किया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार कयामत के दिन उनमें उन बातों का जिनमें वो इख्तलाफ करते थे फैसला करेगा। फिर हमने तुमको दीन के खुले रस्ते पर कायम कर दिया, तो उसी रस्ते पर चले चलो, और नादानों की ख्वाहिशों के पीछे न चलना। ये खुदा के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, और जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं, और खुदा परहेजगारों का दोस्त है। ये कुरान लोगों के लिए दानाई की बातें हैं, और जो यकीन रखते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। जो लोग बुरे काम करते हैं क्या वो ये ख्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, और उनकी जिंदगी और मौत यकसा होगी। ये जो दावे करते हैं बुरे हैं। और खुदा ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया है, और ताकि हर शख्स अपने आमाल का बदला पाए और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है, और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है, तो खुदा ने भी उसको गुमराह कर दिया, और उनके कानों और दिल पर मोहर लगा दी, और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब खुदा के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है, तो क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? और कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया ही की है कि यही मरते और जीते हैं, और हमें तो जमाना मार देता है, और उनको इसका कुछ इल्म नहीं, सिर्फ जन से काम लेते हैं। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनकी यही हुज्जत होती है कि अगर सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर लाओ। कह दो कि खुदा ही तुमको जान बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर तुमको कयामत के रोज जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको जमा करेगा। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आसमानों और जमीन की बादशाहत खुदा ही की है, और जिस रोज कयामत बरपा होगी उस रोज अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे। और तुम हर एक फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा, और हर एक जमात अपनी किताब आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको उसका बदला दिया जाएगा। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी, जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा, यही सरीह कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। और जब कहा जाता था कि खुदा का वादा सच्चा है और कयामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि कयामत क्या है, हम उसको महज जन्नी ख्याल करते हैं और हमें यकीन नहीं आता।
اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ پس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے، جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہ غالب اور دانا ہے۔